हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सुदर्शन फार्मा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करने का भी ये कंपनी काम करती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये आउटसोर्सिंग करने का भी ये कंपनी काम करती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यानी कि कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और आउटसोर्सिंग के अंदर वहाँ पे कंपनी कहीं और से प्रोडक्ट मंगा के फिर जिनको रिक्वायरमेंट होती है उन्हें कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, आउटसोर्सिंग वाले बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे लो मार्जिन बिजनेस भी रहता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो अगर वो एसेट टर्नओवर रेशियो अगर आने वाले टाइम पे अगर काफ़ी अच्छा हो जाता है तो कंपनी के आरओई के नंबर हमें काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स एपीआई और उसके अलावा जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं उसके अंदर ये कंपनी डील करने का काम करती है। देखिए, अगर हम Q3 की अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों ही जो सेक्टर्स हैं, यानी कि एपीआई वाला सेक्टर हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स, ये तीनों ही सेक्टर्स के लिए Q3 काफ़ी नेगेटिव रहा था और ये मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि Q4 यानी कि जो अभी जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर भी चल रहा है वो भी इन सेक्टर्स के लिए नेगेटिव ही रहने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंपनी के लिए हमें जो बाकी के 6 महीने हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक वो ये कंपनी के लिए हमें नेगेटिव होते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, जो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाने का काम करती है वो मेनली पेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और एडिसिव इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पेंट इंडस्ट्री में दिक्कतें चल रही है, फूड इंडस्ट्री में भी दिक्कतें चल रही है, तो जितनी भी इंडस्ट्री है तो ये सारी इंडस्ट्री के नाम अभी दिक्कतें चलती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी एनजीओ, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जो होते हैं उन्हें ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली कंपनी के पास 50 जो फार्मा के जो फॉर्मुलेशन हैं वो भी कंपनी के पास में, जो कंपनी अपने खुद के ब्रांड नेम में सेल करने का काम करती है। और अगर आप देखोगे टैबलेट, ऑइंटमेंट, जो कैप्सूल्स और इंजेक्टेबल जो होते हैं वो इनके फॉर्म में यहाँ पे कंपनी ये फार्मा के फॉर्मुलेशन सेल करने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी की खुद की सेल्स फोर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आती है और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लगभग 5 स्टेट के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ पे जो कंपनी का प्रेजेंस है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई वो प्रोडक्ट नजर नहीं आता, यानी कि ये कंपनी खुद ही सेल करती हुई हमें नजर आ रही है। इसी वैसे ही एक तरीके से अगर आप देखोगे एक जो नॉर्मल रिटेल शॉप होती है तो यहाँ पे थोड़ा कंपनी लेवल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे करोड़ में हमें रेवेन्यू नजर आता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर यहाँ पे अभी कंपनी खोल रही है और यहाँ पर अगर कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स पे अगर कंपनी को पेटेंट वगैरह अगर मिल जाता है और अगर ये कंपनी खुद ही अगर सेल करती है तो वहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ा बिजनेस पोटेंशियल हमें यहाँ पे कंपनी का आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आएगा। अब अगर हम कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, लेकिन देखिए मेनली अगर आप देखोगे चाहे एपीआई सेक्टर हो, स्पेशलिटी केमिकल्स हो, एग्रोकेमिकल्स हो, ये तीनों सेक्टर्स अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे साथ में हमें चलते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर चलेगा एक नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे बिजनेस में डाउनफॉल आएगा तो साथ में डाउनफॉल यहाँ पे हमें आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी का काफ़ी अच्छा है और मार्केटिंग वगैरह सेल्स नेटवर्क। लेकिन देखिए 5 स्टेट के अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता नहीं चलेगी, धीरे धीरे जब आप ऑल ओवर इंडिया जाओगे तो जब आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना चाहिए। अगर हम बिजनेस ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन है, लेकिन डाइवर्सिफाइड भले ही यहाँ पे कंपनी ने बोला है ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है क्योंकि ये सारे सेक्टर्स हमें साथ में चलते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे एपीआई के लिए जो ओपन कर रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा जो अभी कैपिटल कंपनी रेज कर रही है 50 करोड़ में से लगभग 10-15 करोड़ हमें वहाँ पे कंपनी का यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप देखोगे जनरल कॉर्पोरेट परपसेस तो यहाँ पे इस पैसे का कंपनी क्या करेगी इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हेमन
हेमल वसंत राय मेहता जी और उसके अलावा सचिन वसंत राय मेहता जी, ये दोनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 193 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू था, उसके बाद में पिछले साल 357 करोड़ के लगभग ये नंबर आया था, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें डबल होते हुए नजर आए थे। और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में 195 करोड़ का रेवेन्यू है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले जो बाकी के 6 महीने हैं वहाँ पे डेफिनेटली 195 करोड़ का रेवेन्यू नहीं आने वाला है। अभी मुझे लगता है कि लगभग 150 करोड़ के लगभग के ही रेवेन्यू के नंबर हमें आते हुए नजर आएंगे। अब आप बोलोगे कि ये नंबर हमें कम क्यों होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हाई मार्जिन पे जो कंपनीज काम करने का काम करती है उनके नंबर हमें अगर इतने डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं तो कहने की यहाँ पे डिमांड स्लोडाउन का यहाँ पे हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ये कंपनी पे भी हमें होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2.67 करोड़ के लगभग ये नंबर था, फिर उसके बाद में 5.3 करोड़ पे आया है और उसके बाद में 3.6 करोड़ पे ये नंबर हमें आता हुआ नजर आया है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मुझे लगता है कि ईयरली बेसिस पे नंबर में 5 करोड़ का ही होता हुआ नजर आएगा। आप बोलोगे कि 3.6 करोड़ का है तो डबल हो के 7 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो देखिए अगर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी लॉस में भी हमें आती हुई नजर आ सकती है कुछ क्वार्टर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिमांड स्लोडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी अगर हम एसेट की अगर हम बात करेंगे तो लगातार कंपनी के एसेट के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे एसेट के नंबर देख के मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि कोई मतलब है, क्योंकि कोई एक वैल्यूएबल एसेट कंपनी के पास में हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो थोड़ा सा यहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ा फट चुका है तो आपको क्वालिटी नजर नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पे होप करूंगा कि थोड़ा बहुत प्रोनाउंशिएट करके आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। तो देखिए लगभग 9 मार्च के लगभग ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, 14 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 73 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, लगभग 1600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 1,16,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देखिए लगभग 50 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें नजर आता है, ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। लगभग 35% का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 17.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये कंपनी बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे 50% का QIB कोटा है जो कि मेरे ख्याल से देखा जाएगा अच्छी बात है, क्योंकि 50 करोड़ में से लगभग 25 करोड़ अगर QIB के पास में अगर शेयर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छी बात रहेगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा और 21 मार्च को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 22 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1,16,800 रुपये यहाँ पे आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि अगर आपको ये आईपीओ में अगर अप्लाई करना ही है तो मेरे ख्याल से रिटेल की अलग अलग आपके फैमिली के मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। यहाँ पे HNI की एप्लीकेशन लगा के मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 15% का हमें यहाँ पे HNI कोटा नजर आता है और यानी कि लगभग 7.5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे HNI कोटा नजर आता है। अगर 750 करोड़ की डिमांड भी अगर यहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे 100 times आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा और वहाँ पे लगभग अगर आपकी 1 करोड़ की एप्लीकेशन होगी तब जाके आपको एक लॉट मिलेगा। मुझे लगता है कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर की कोई सेंस उस बात के अंदर की 1 लाख की एप्लीकेशन के लिए इतनी बड़ी एप्लीकेशन लगाना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलग अलग रिटेल की कैटेगरी में अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 21 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम पर्टिकुलरली ये इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडस्ट्री को लगभग 10 से 15 का पी रेशियो मिलता हुआ हमें नजर आता है, तो कहने की वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा हायर साइड में हमें नजर आता है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो 17% का ROE का नंबर है और ये क्यों है, क्योंकि जो हायर एसेट टर्नओवर रेशियो है कंपनी का उसकी वजह से हमें ये नंबर नजर आता है। NAV की अगर हम बात करेंगे 19 रुपीज के NAV है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बिजनेस के अंदर कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है जिसको हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देख पाएंगे, तो NAV देखना मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत रहेगा। ROC का नंबर कंपनी का अच्छा है। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 1.03 का डेट टू इक्विटी है। देखिए लगभग 50 करोड़ का डेट और 50 करोड़ के लगभग की कंपनी की इक्विटी है, लेकिन यहाँ पे 50 करोड़ से कंपनी की इक्विटी बढ़ने वाली है, यानी कि 0.5 के लगभग कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें होता हुआ नजर आएगा।
ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशंस वगैरह बाकी सब ठीक है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी 50 करोड़ का अगर हम देखेंगे तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, तो अभी डिमांड उतनी है नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ 40-50% लिस्टिंग गेन जैसे जैसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक नॉर्मल काइंड ऑफ या तो 5-10% की नेगेटिव लिस्टिंग हमें होते हुए नजर आए या फिर 5-10% की हमें यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि उसके आसपास ही यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फिनोमिनल लिस्टिंग के संकेत आपको नजर आएंगे, क्योंकि कंपनी लेवल पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनी हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को अवॉइड करने का ही है मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।